वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू निर्मल्य अकादमी। टुडेज टॉपिक फ्यूचर विल ट्रीटेड एज टाइम और टेंस। भविष्य को हम आज कुछ बारीक से जानने के लिए कोशिश करेंगे। फ्यूचर को हम टाइम के रूप से लेंगे या टेंस के रूप में लेंगे, इसी के ऊपर मैं आज आपके साथ कुछ चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, टेंस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत जानकारी भी हम हासिल कर चुके हैं, लेकिन एक फ्यूचर के लेके अब तक हमारे मन में कुछ डाउट है और उसी को मैं आज अपने तरीके से हटाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, फ्यूचर ऑलवेज ट्रीटेड एज टाइम इंस्टेड ऑफ टेंस। व्हाई? इसके लिए दोस्तों एक चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। देखिए, टेंस के साथ कुछ चीज जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि टेंस बोले तो क्या होता है, काल। टेंस और काल के साथ पूरा कनेक्ट है। जैसे कि मैं आज वही प्रूव करूंगा, फ्यूचर के साथ ये जो काल होता है उसका कोई भी कनेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको हम समय ही कह पाएंगे, काल नहीं कह पाएंगे। उसी के लिए मैं आप आज क्लियरिफाई करूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारा साथ क्या होता है, समय एक तो चीज होता है, समय, स्थान और घटना, ये तीनों चीज टेंस के साथ जुड़ी रहते हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और ये तीनों चीज फ्यूचर के साथ कोई भी कनेक्ट नहीं रखते हैं, इसलिए फ्यूचर को हम टाइम कहते हैं। कैसे? मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूं। देखिए, एक एग्जांपल को लेना होता है इन पे कि मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग राइस। एक सवाल पूछेंगे हम, ये जो आई हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के साथ ये तीनों चीज जुड़ी रहते हैं। कैसे ना, कोई भी सवाल हम पूछेंगे, सब्जेक्ट हो गया कर्ता, कर्ता का सवाल पूछेंगे, आप क्या कर रहे हो, उसने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं। ये जो खाना खाने वाला चीज को जो हम कहते हैं ईटिंग, ये हो गया घटना, ये हो गया घटना जो कि सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। और हम दूसरा सवाल सब्जेक्ट को पूछा कि आप कौन सा जगह पर बैठकर खाना खा रहे हैं, तो जाहिर से बात है सब्जेक्ट ने हमको जवाब दिया कि मैं तृप्ति होटल में बैठकर खाना खा रहा हूं। एक होटल का नाम दिया गया जो कि स्थान को दर्शाता है, तो सब्जेक्ट के साथ वो भी कनेक्ट में आ जाता है, प्लेस। हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ वो भी कनेक्ट में आ जाता है, प्लेस। उसके बाद कर्ता को तीसरा सवाल हम पूछते हैं, आप जो खाना खा रहे हो क्या बता पाएंगे कौन सा समय होगा, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक समय बताएगा हमको, तो चाहे 9:15 हो कि 12:25 हो, तो हमको मिल गया क्या, सब्जेक्ट के साथ समय भी मिल गया। तो देखिए, टेंस मतलब हाँ समय हो गया टाइम, स्थान हो गया प्लेस और घटना हो गया इंसिडेंट जो कि कर्ता के साथ ये तीनों जुड़ी रहता है, इसलिए इसको हम टेंस कहे। लेकिन फ्यूचर के साथ ये तीनों किसी तरह भी कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं। जैसे कि मैं सब्जेक्ट से या कर्ता से एक सवाल पूछूंगा कि भाई आने वाला कल सुबह 11:15 में आप कहां पे होंगे, तो जाहिर सी बात है जो कुछ भी सब्जेक्ट या कर्ता मुझे जवाब देगा वो एक अंदाज के तौर पर एक डाउटफुली आंसर मुझे देगा, कंफर्मेशन आंसर मुझे वो नहीं दे पाएगा। जैसे कि मैंने आपको इन पे दर्शा दिया, समय, स्थान और घटना पूरा पूरा कनेक्ट में रहता है सब्जेक्ट के साथ, लेकिन फ्यूचर में वो तीनों सब्जेक्ट के साथ कंफर्मली वो नहीं बता पाएगा। जैसे कि मैं वो धुंधलापन में कंफ्यूजली डाउटली वो बता पाएगा कि मैं शायद हो भी सकता हूं, नहीं भी सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब है फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ समय, स्थान और घटना ये तीनों जुड़ी रहने का संभावना
कभी भी नहीं रहता है। इसीलिए जब तक टेंस के साथ मतलब काल के साथ सब्जेक्ट के साथ समय स्थान और घटना ये तीनों कंटेक्ट में या एक ही लाइन पर नहीं रहते हैं, कर्ता के साथ ये तीनों का सामंजस्य नहीं रहता है, तब तक वो टेंस के रूप में ट्रीटर नहीं हो पाएगा, तब वो टाइम के रूप से ट्रीटर ही हो पाएगा। इसलिए फ्यूचर को हम कभी भी टेंस के रूप से नहीं ट्रीट कर पाएंगे, उसको हमेशा समय यानी कि टाइम के रूप से ही ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में कर्ता के साथ समय स्थान और घटना ये तीनों सामंजस्य में रहने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा था कि टेंस के बारे में तो हम जानते हैं, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल, पास्ट टेंस क्या होता है, अतीत काल, लेकिन कभी कभार कहीं कहीं जगह पर हमको ये भी पढ़ाया गया कि फ्यूचर को समय बताया जा रहा है, कहीं कहीं किताब में पढ़ने के लिए हमको ये भी मिल रहा है कि समय इज ट्रीटेड एज ए टाइम। तो एक धुंधलापन, एक कंफ्यूजन अभी तक हमारे मन में बसा हुआ है कि आइदर द फ्यूचर विल ट्रीटेड इज टाइम और टेंस। दैट्स व्हाई मैं अपने सोच के हिसाब से, अपने कंक्लूजन हुए के तरफ से, मैं आपको समय एक फ्यूचर को माना जाता है, उसको कभी भी काल के हिसाब से माना नहीं जाता है, क्योंकि ये तीनों चीज समय स्थान घटना ये तीनों फ्यूचर के साथ या फ्यूचर में रहने वाले कर्ता के साथ सामंजस्य में नहीं रहते हैं। इसीलिए फ्यूचर ऑलवेज ट्रीटेड एज टाइम इंस्टेड ऑफ टेंस। ये था आज का मुद्दा, और अगले वीडियो में मैं आपको यकीनन के साथ एक चीज बताना चाहूंगा कि जो टेंस हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं या समझते हुए आए हैं, ठीक तरह से उसको हम समझ नहीं पाए हैं, जिसको कि जिस जगह पर जिस टेंस की आवश्यकता होता है उसको हम ठीक तरह से रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, जो कि हमारा कहीं ना कहीं भूल चूक होता हुआ आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा दोस्तों, जैसे कि देखिए प्रेजेंट सिंपल जहां पे लगना चाहिए वही पे हम क्या कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि हमारा समझना मुश्किल हो जाता है कि हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि ये वाक्य ये सेंटेंस कौन सा टेंस में है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, पिताजी गए, पिताजी गए, मैंने चाय पिया, पापा जी आए, ये कौन सा टेंस में है, इसको पहले हमको समझना है, देन ओनली वी कैन एबल टू रिप्लेस और इंसर्ट द टेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, अदरवाइज वी कांट। तो समझने में अगर गलती हो जाएगा तो जहां पे सिंपल पार्ट लगना है वहीं पे हम लगा देते हैं पास्ट परफेक्ट। ये गलती जो हो जाता है उस गलती को मिटाने के लिए टेंस को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी तक हम, जब तक हम इसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे तभी तक हम ठीक से उसको ना बोल पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना लिख पाएंगे। इसीलिए कौन सा टेंस में किसी तरह का एग्जांपल जाता है उस एग्जांपल को पकड़ना है, और प्रत्येक टेंस के लिए एक सूत्र होता है मेरे दोस्तों। प्रेजेंट सिंपल के लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में कौन सा सब्जेक्ट आते हैं, और प्रेजेंट सिंपल हम किसको मानते हैं, जो चीज अभी हुआ है सिंपल में हुआ है, प्रेजेंट सिंपल का मतलब क्या होता है, वर्तमान अतीत, जो काम अभी हुआ है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरे में मुद्दा यह था फ्यूचर विल ट्रीटेड एज टाइम और टेंस। तो आई मेड इट क्लियर दैट कि फ्यूचर ऑलवेज ट्रीटेड एज टाइम इंस्टेड ऑफ टेंस, बिकॉज ऑफ व्हाई, बिकॉज ऑफ ये जो समय स्थान और घटना कर्ता के साथ सब्जेक्ट के साथ जब तक समय स्थान और घटना तीनों मिलकर रहते हैं तभी उसको टेंस कहा जाता है, और जब सब्जेक्ट के साथ समय स्थान घटना तीनों एक ही डिग्री पे एक ही एंगल पे नहीं रहते हैं तो उसी को हम टेंस नहीं कह पाते हैं, समय के रूप से उसको गणना कहा जाता है। यह था मेरा आज का मुद्दा। तो अगले वीडियो में दोस्तों मैं पूरा ब्रीफली
जाऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं आपको ऐसा ऐसा मैं समझाता जाऊंगा जो कि हम आज तक समझकर भी ना समझ है। यकीनन मैं बता रहा हूं, आप लोग अगर मुझे प्रतिदिन प्रति वीडियो में 10 मिनट से 15 मिनट समय देंगे तो यकीनन के साथ मैं बता रहा हूं मेरे दोस्तों, जो कुछ आज तक हमारे मन में कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को मैं जरूर दूर करूंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू फॉर कीपिंग वॉचिंग एंड बाय बाय, थैंक यू।